ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों से युक्त काकोलत एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी के निकट बसा हुआ झरना है। ये झरना बिहार राज्य के नवादा जिले से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के नजदीक है। नवादा से NH 31 पर 15 किलोमीटर दक्षिण में रजौली की ओर जाने पर फतेहपुर से एक सड़क अलग होती है। इस सड़क को गोविंदपुर फतेहपुर रोड के नाम से जाना जाता है। ये सड़क सीधे थाली मोड़ को जाती है, जहां से 3 किलोमीटर दक्षिण में काकोलत जलप्रपात है। थाली मोड़ से ही जलप्रपात की शीतलता का एहसास होने लगता है। रास्ते के दोनों ओर खेत, पेड़ पौधे और पहाड़ से मजा और बढ़ जाता है। जिस पहाड़ी पर बसा है उस पहाड़ी का नाम भी काकोलत ही है। काकोलत क्षेत्र खूबसूरत दृश्यों से भरा हुआ है, लेकिन इन खूबसूरत दृश्यों में भी सबसे चमकता सितारा यहां पर स्थित ठंडे पानी का झरना है। इस झरने के नीचे पानी का एक विशाल जलाशय भी है। काकोलत में एक जलप्रपात है और इस जलप्रपात की ऊंचाई 160 फीट है। ठंडे पानी का यह झरना बिहार में बहुत प्रसिद्ध है। गर्मी के मौसम में देश के विभिन्न भागों से लोग पिकनिक मनाने यहां पर पहुंचते हैं। इस झरने में 150 से 160 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। चारों तरफ जंगल और अद्भुत दृश्य से आकर्षण और ज्यादा बढ़ जाता है। यह दृश्य आंखों को ठंडक प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द गरम पोस्ट।